याद रखें कि जो खुद को बदलने के लिए तैयार हैं वो हमेशा आपसे आगे होंगे। ये आ गया हमारा स्पेशल नाता। राम राम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे बनवाया होंगे। और ये देख सकते हो कि आयु ने अखबार पढ़ते पढ़ते खट से खाने में लग गया। गरम है क्या? गरम है तो मुझे भी खाना है। और आपको बता दूं कि पुस्तकें और पढ़ाई की हुई चीज हमेशा जीवन में काम आती है। तो आप भी, दैनिक भास्कर है, संडे का दैनिक भास्कर बहुत स्पेशल होता है, तो इसे जरूर पढ़ा करें। इसमें बहुत सारी चीजें मोटिवेट वाली होती हैं कि जैसे ये इसको पढ़ने के लिए कहा गया था कि याद रखें कि जो खुद को बदलने के लिए तैयार हैं वो हमेशा आपसे आगे आगे होंगे। जैसे ये खुद को बदलने के लिए तैयार है मोटा होने के लिए, तो इसने ये खाना चालू कर दिया सुबह से, है ना? बदमाश कंपनी। बहुत से काम जब तक किए ना जाए तब तक असंभव लगते हैं, छोटी चिंताएं बड़े नुकसान कर सकती हैं। ये तीन चीजें इसको पढ़ने के लिए दी थी। आप भी अपने बच्चों को अखबार लगाइए और अखबार पढ़ने के लिए दीजिए, इससे इनकी सोच सकारात्मक होगी। ये हमेशा सकारात्मक सोचेंगे और अच्छा करेंगे और कभी भी इस बात से नहीं डरेंगे कि यार हम असफल हो जाएंगे, हम हार जाएंगे या जो भी है। तो और एक और चीज मैंने सुबह सुबह पढ़ी थी, आपको बता दूं कि फिलिप सिडनी जी ने बहुत ही शानदार लिखा है कि चल रहा हूं मैं, या तो मुझे रास्ता मिल जाएगा या फिर मैं स्वयं रास्ता बना लूंगा। तो बस मंजिल की ओर निकल जाइए और अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। और हम करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। और ये भाई साहब फुल टाइम खाएंगे, है ना? अखबार कब पढ़ोगे? अखबार पढ़ते हुए उल्टा पढ़ के उल्टा पढ़ लेंगे, ठीक है? फाइनली हम जा रहा है आयु की हेयर कट करवाने और आप देख सकते हो कि कैसे बाल राक्षसों जैसे बढ़ा के रखे। तो बस अब इसकी हेयर कट करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। मकान का काम चल रहा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित लगेंगी और नीचे भी ढेर लगा है। तो आइए चले चले, निकल निकल गाय जा। कटिंग बेहतरीन करवा दे रहा तेरे को, क्यों मौका मिलेगा? दिनों के शॉप से जैसे ही हम बाहर निकले तो बाहर का नज़ारा देखकर हम दंग रह गए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो चुकी थी और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी। और आपको बता दूं कि सड़कें सूनी थी, कुछ लोग नज़र आ रहे थे, वो भी बाइक से नज़र आ रहे थे जो कि अपने ज़रूरी कामों से जिन्हें आना जाना करना पड़ रहा था। बाकी मुझे पैदल तो कोई भी नज़र नहीं आया क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी। और आपको बता दूं कि जब नानू को छोड़ने के लिए मैं घर से थोड़ा सा आगे बढ़ा कि तहसील के सामने ऑफिस है तो वहाँ छोड़ देता हूँ, तो जैसे ही हम तहसील के सामने पहुँचे और मैंने तहसील की ओर नज़र की तो मुझे बहुत ही शानदार नज़ारा नज़र आया। तो मैंने सोचा उसे भी कैमरे में कैद कर लूँ।
दोस्तों आप देख चुके हो कि कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। हालांकि रुमाल मेरे पास रखा है लेकिन नानू भैया के पास नहीं है, इसलिए हमने लगाया नहीं। और नानू भैया की आंखें देखो, नानू भैया पड़ रही है गर्मी जबरदस्त, बहुत ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा। गाइस आपको पता है कि बहुत तेज भीषण गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में नहाना बहुत जरूरी है। तो हमने तो दो टाइम नहाना शुरू कर दिया है, और दो बार नहाना शुरू कर दिया है। और यह बंदर भी नहाएगा, नहाएगा कि नहीं, ये स्टाइल में चूर है। और आप मेरे पास आ जाओगे लेकिन ये बाकी चीज़ें दिखेंगी नहीं, इसलिए आप मेरे पास आ गए हो लेकिन कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप भी दो बार तो कम से कम नहाया करें। अब ऑफिस जाएंगे तो फिर लेट नाइट नहाएंगे, क्योंकि दो बार तो नहाना पड़ेगा। तो गए आज संडे और हम पहुंच रहे हैं खाना खाने बाहर ढाबे पर। और आपको बता दूं कि 6 मार्च से डॉली के जन्मदिन से ढाबे पर जाना टलते जा रहा था। और आज हो गई है 20 मार्च है ना, हाँ 20 मार्च हो गई है। और इस बीच में भी 6 दिन कंटिन्यू प्लान बने, लेकिन नानू भैया के कारण वो प्लान आगे पीछे होते रहे। कभी नानू भैया का लेट हो जाते थे, कभी आते नहीं थे, कभी कुछ। और आज भी जब उन्हें फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो शंग नर्मदापुरम के लिए निकल गए हैं। तो वो नर्मदापुरम पहुँच चुके हैं, शिवा तैयार है। तो थोड़ी देर बाद हम सीधे ढाबे पर पहुँचेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि 6 दिन काम करते हैं तो एक दिन थोड़ा सा बाहर खाने का मन होता है। और आए भैया पूरी नौटंकी में लगे हुए हैं, क्या चलना है नहीं चलना है तेरे को? चलना है मेरे को तो। चलना है मेरे को, जाना है ढाबे पर जाएगा, लेकिन दाल रोटी खाएगा ना? क्या खाएगा? काजू कड़ी हाँ। की करी? करी की कड़ी, करी काजू कड़ी खाएगा। चलो ठीक है, इसको काजू करी खिलाएंगे, डॉली को सेव टमाटर खिलाएंगे और हम दाल के साथ ही खाएंगे। दाल और क्या था डॉली उस दिन? दाल पालक पनीर खाएंगे, वहाँ की बहुत ही टेस्टी है। तो गाइस घर से हम थोड़ा जल्दी निकल लिए थे क्योंकि आयु को फुल्की भी खाना था। तो हमने सोचा चलो ठीक है, दो पीपल बाबा के पास फुल्की खिला दें। लेकिन आयु वहाँ मंदिर में दर्शन करने पहुँच गया दो पीपल बाबा के। दो पीपल बाबा का आशीर्वाद हम सब पर सदा के लिए बना रहे, बस यही प्रार्थना है बाबा से। और फिर वहाँ दर्शन करने के बाद हम सीधे पहुँच गए फुल्की के ठेले पर, लेकिन वहाँ लगी थी काफ़ी भीड़। फिर थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमने टहलने के बाद हम सीधे निकल गए शिवा, मैं, चुनचुन, आयु और डॉली के साथ संदीप ढाबे पर। संदीप ढाबे का आपको बता दूं कि खास क्या लगता है, तो वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा जो खास लगता है वो वहाँ की रोटी है, क्योंकि वहाँ की रोटी न जाने किस तरह से बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छी लगती है। और वहाँ जाकर आजकल हमने लेना शुरू कर दिया है पालक दाल पनीर, ये स्पेशल डिश है वहाँ की, तो वो भी खाते हैं और कभी कभी लच्छा पराठा भी खा लेते हैं। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। यदि आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ज़्यादा मेहरबान हो तो शेयर भी कर दीजिए। और ये मस्ती तो कंटिन्यू चलती रहेगी। और आपको बता दूं कि इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग
आने वाला है, मतलब रंगपंचमी के दिन आएगा, वो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस दिन हम जमकर रंगपंचमी खेलेंगे, फागोत्सव मनाएंगे और बहुत 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 ज़्यादा मस्ती करने का मूड है। और क्या क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन हम एक दिन पहले से, मतलब कि ये ब्लॉग जब आप तक पहुंचेगा तभी से उसकी तैयारी को लेकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे, ताकि आपको उस वीडियो को देखने में ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए। तो ब्लॉग को करता हूं मैं यहीं पर एंड। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए जय राम जी की।